क्वेश्चन नंबर थ्री, द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाई इथाइल ईथर। तो सबसे पहले क्या करना था, डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर लिखना है। तो डाई इथाइल ईथर क्या होता है, CH3CH2, बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा और दोनों साइड क्या होगा, इथाइल ग्रुप। ये क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें, डाई इथाइल ईथर। अब इसका देखोगे यहाँ पे C4 हाइड्रोजन कितना आ रहा है, काउंट करके चेक करो इसमें, C4H10O, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। बाकी देखना था कि ये ऑप्शन नॉर्मल प्रोफाइल मिथाइल ईथर, तो नॉर्मल प्रोफाइल मिथाइल ईथर क्या रहेगा तुम्हारा, CH3CH2, कॉमन नेम बेसिकली दिया हुआ ईथर का, और ये CH3, ये नॉर्मल प्रोफाइल और ये मिथाइल और ये एक ईथर, बीच में ऑप्शन है यहाँ पे। अब देखना कि दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है यहाँ पे, इसका भी निकालोगे C4H10 और ये O, और इसका भी C4H10O। अब इसमें ये क्वेश्चन कौन बताओगे, इन दोनों में रिलेशन क्या है, कौन सा आइसोमर एक दूसरे का, ये सही बेटा है बिल्कुल, ये सोचना पड़ेगा। तो क्वेश्चन वैसे डिफरेंट है, बट ये पता होना चाहिए कि इस दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है, मेटामर। और कोई भी एक आइसोमर से, दैट मीन्स आइसोमर से एक दूसरे का है वो, ये तो एक दूसरे का आइसोमर है। मतलब बी की बात करें, बी ऑप्शन में इसमें बोला जा रहा है ब्यूटेन वन ऑल, CH3CH2CH2CH2OH, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करोगे सेम ही रहेगा। अब इसके बीच में रिलेशन क्या है, कौन बताओगे, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर आइसोमर, आइसोमर। सही बिल्कुल, ये सब लोग बता सकते हो, इसमें फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर डिफरेंट सर। है। सही बिल्कुल, अल्कोहल और ये ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर रहे, दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर। मेंस में तुम्हारा इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा। ये भी आइसोमर्स है, सी की बात करें हम लोग, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, इसमें क्या रहेगा, CH3CH3 CH3CH3, ये क्या रहेगा, 1 2 3। तो अगर नेम दे रखा है तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन कंपेयर कर पाएंगे, ये क्या है, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। अब इसमें क्या रिलेशन रहेगा, जो क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे चेक करो, इसमें मोलिकुलर फार्मूला सेम है। सही फंक्शनल आइसोमेरिज्म है बिल्कुल, ये भी क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर सेम, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला सेम और फंक्शन ग्रुप डिफर कर रहा है, इसमें यस। ईथर और इसमें अल्कोहल, दैट मीन्स फंक्शनल आइसोमर। सही है बिल्कुल, यहाँ पे ऑर्गेनिक में बस इसी टाइप का क्वेश्चन अगर इतना पता है तो कर पाओगे। और लास्ट आ रहा है तुम्हारा ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन क्या आ जाएगा तुम्हारा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या ब्यूटेनॉन। अब इसका मॉलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं होगा, कार्बन तो 4 आ रहा है, एक ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन कितना है इसमें काउंट करो, एट 3 और 2, 8 ही हाइड्रोजन है यहाँ पर, जबकि इसमें एट कितना हाइड्रोजन आ रहा था, 10, और यहाँ पे 8 एट ही हाइड्रोजन। तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं है, जो डी होगा वो आइसोमर्स नहीं हो पाएगा। क्लियर है, इस तरीके से सोचना था क्वेश्चन को, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। तो डाई इथाइल ईथर का आइसोमर डी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैलिसिलिक एसिड। अब देखो ये कॉमन नेम है, जो मैंने एक PDF शेयर किया हुआ था उसमें से ये याद रखना था, क्वेश्चन नंबर सिक्स कि सैलिसिलिक एसिड कौन सा है, तो उसमें जो डी ऑप्शन है उसको याद रखना है वहां पे, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ये जो आ रहा है तुम्हारा COH, और एक दूसरे के आर्थो पोजिशन पे, 1 2 पोजिशन पे एक COH और एक OH, इसी को क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये तो तुम्हें कॉमन नेम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेवन, वो भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसॉल्व। क्रिसॉल किसको बोलते हैं, यहाँ पे है फिनॉल के रेस्पेक्ट में एक CH3 आ जाए, चाहे आर्थो पोजिशन पे हो या मेटा पे या फिर पैरा पोजिशन पे हो, तो एक CH3 अगर आ रहा है वही क्या रहेगा तुम्हारा, क्रिसॉल। देखते हैं डी में वहां पे क्या रहेगा, ये फर्स्ट भी क्या रहा है वहां पे, ये भी क्रिसॉल है, आर्थो क्रिसॉल,
मेटा पे आ जाएगा सी एस थ्री तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे सी एस थ्री होगा तो पैरा क्रिसॉल, ए बी सी तीनों क्रिसॉल है, डी जो रहेगा वो क्रिसॉल नहीं है। ये क्या होता है क्यूनिन, क्विनॉल होता है इसका नेम। ये सब कॉमन नेम दे रखा है, इसके लिए मैंने लिस्ट भेज रखा है तो वहां से तुम्हें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला जा रहा है फीचर बता फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये सब क्लास में कराया गया तुम्हें। क्वेश्चन नंबर नाइन में फर्स्ट जो आ रहा है वहां पे सी एच टू सी एच टू ओ एच, नाइन का ये ऑप्शन ग्लाइकोल करेक्ट है वो। बी में बताया था मैंने ओ माई सन गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले में जो ओ आ रहा था, याद कुछ आ रहा हो तुम्हें? ऐसा कुछ मुझे ट्रिक बताया हुआ है ओ माई सन सिर्फ सी एन डी चेक कर लेता हूँ उसको हम लोग। उसमें बी में क्या था ऑक्सिलिक एसिड, ओ से स्टार्ट हो रहा था वहां पे, तो जो बी में दिया हुआ सी ओ एच सी ओ एच इसका नेम क्या ऑक्सिलिक एसिड, वो भी करेक्ट है। डी की बात कर रहे हैं तो डी भी तुम्हारा उसी लिस्ट में आ रहा था ओ माई सन एस, एस का मीनिंग क्या था सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड तो इसका नेम क्या है सक्सिनिक एसिड है। और इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे सी एच टू सी एच टू, ये भी एडीपी के हेड हो जाता है यहाँ पे, तो सक्सिनी के हेड में सी एच टू सी एच टू सी ओ एच सी ओ एच, ये भी करेक्ट है। डी में सी की बात करें, अब देखो सी में एक यहाँ पे नया टर्म आ रहा है उसको याद रखोगे अभी से मैलिक एसिड है वो फॉर्मेलिक एसिड, बिल्कुल वो क्या वहाँ पे मैलिक एसिड है और नेम जो दिया हुआ फॉर्मेलिक एसिड, यहाँ पे याद रखना था सी डबल बॉन्ड सी ओ एच सी ओ एच, तो दोनों सी ओ एच ग्रुप सेम साइड हो यहाँ पे और दोनों सी ओ एच ग्रुप सेम साइड है, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, इसको नोट भी कर लोगे अलग से। और यही दोनों सी ओ एच ग्रुप अगर अपोजिट दिखाया जाए यहाँ पे एंटी पोजिशन पे एच और एच, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ये रहती है मैलिक एसिड और ये तुम्हारा फ्यूमेरिक एसिड, इस तरीके से याद रखना है इसमें। तो सी तुम्हारा इनकरेक्ट है, तो सेम साइड वाला दोनों साइड याद कैसे रखोगे, दोनों सी ओ एच ग्रुप सेम साइड मैलिक एसिड, दोनों सी ओ एच ग्रुप अपोजिट साइड डबल बॉन्ड के सी डबल बॉन्ड सी के, तो क्या बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। अब ये सब कॉमन नेम इसलिए कुछ भी रूल नहीं है, वो तुम्हें याद है। हाँ बताओ आयु पैक, आईपीएससी नेम तो रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आईपीएससी क्या किसी एक का मैं बताऊं, अगर यहाँ पे देखिए ये वन वन टू थ्री फोर चार कार्बन का मेन चेन ब्यूट टू इन वन फोर डाई ओइक एसिड, आईपीएससी नेम तो आसान से कर सकते हो, ब्यूट टू इन सेकेंड पोजिशन पे अनसेचुरेशन है टू इन वन फोर डाई ओइक एसिड, इस तरीके से कर सकते हो। और इवन आईपीएससी नेम दोनों कंपाउंड्स का सेम ही रहता है, इसका भी जो आईपीएससी नेम और इसका आईपीएससी नेम वो सेम ही रहेगा, बट दोनों का कॉमन नेम अलग है। मैं बताऊंगा इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस अगर कुछ याद हो आइसोमर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक कौन सा आइसोमर्स था स्ट्रियो आइसोमर्स, देखोगे नोटबुक में, और मैंने वहां पे बोला आइसोमर्स है स्ट्रियो आइसोमर्स, ट्वेल्थ में पढ़ना रहेगा वहां पे, ये दोनों एक दूसरे का स्ट्रियो आइसोमर्स होता है, जब हम स्ट्रियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो फिर वहां पे पता चल पाएगा किसका क्या मीन डिफरेंस क्या होता है दोनों, क्लियर है। इसका स्ट्रक्चर वाइज दोनों स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है, बट ये इसका जो ओरिएंटेशन ग्रुप का जो ओरिएंटेशन होता है, ये दोनों सीओएच ग्रुप सेम साइड ओरिएंटेड है ये, और ये दोनों अलग है, ये फिर डिटेल में हिस्ट्री आइसोमेरिज्म में आता है वहां पर। अभी तो बस नेम याद रखना है कॉमन नेम इसका, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी डाइक्लोरो डाइफिनाइल with molecular formula C12H8Cl2 of each benzene containing only one Cl group are possible.
चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 15। मोलिकुलर फार्मा में लिख लू C12 H8Cl2, इस कंपाउंड का DU कितना है बताओ सब लोग। कंपाउंड्स का DU नाइन, चेक करो एक बार एट सही है। अब बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, वहां पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो डाइफिनाइल क्या होता है, एक बेंजीनिन का एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होता है फिनाइल, एक और फिनाइलिंग ले लेते हैं यहाँ पर, इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं डाइफिनाइल, ये भी ध्यान रखना है। और बोला जा रहा है कि डाइक्लोरो, और लास्ट में लिखा हुआ है कंटेनिंग ओनली वन Cl ग्रुप आर पॉसिबल ऑफ ईच बेंजीन नेम कंटेनिंग ओनली वन Cl ग्रुप, किसी एक बेंजीनिंग पे एक ही Cl ग्रुप रहेगा यहाँ पे, यहाँ पे एक Cl लगा दो, ध्यान से देखोगे कैसे करना है, दो Cl तो है यहाँ पे, तो एक Cl यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला गया कि एक Cl इसमें लगाना और एक Cl इसके, इसमें एक ही बेंजीन में दोनों Cl को अटैच नहीं करना, यहाँ पे स्टार्ट जो करोगे इसको आर्थो पे रखो, इसके रेस्पेक्ट में ये देखना है कि आर्थो पोजिशन, ये Cl आर्थो पे है और इसके रेस्पेक्ट में ये भी Cl रखो आर्थो पे। अब क्या करते हैं इसमें जो प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट, डायफिनाइल तो रहेगा ही, डायफिनाइल या बाइफिनाइल बोलते हैं इसको, ये Cl को यहीं पे रहने दो, इस Cl का पोजिशन चेंज कर दो, और क्या कर सकते हैं इसमें यहाँ पे, बाइफिनाइल तो पहले बना ही लेना है यहाँ पे इसको, ये Cl आर्थो पे और ये Cl को यहाँ पे पैरा पे ले आए, पियर यहाँ पे है, अब अगर ऐसा कुछ करते हो इसमें यहाँ पे है, इसमें अगर ऐसा कुछ करते हैं इस केस में यहाँ पे हम लोग, ये क्या रहेगा Cl, अब अगर यहाँ पे अगर Cl को लाते हैं तो ये किसी से मैच कर रहा है क्या, देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट में दो स्ट्रक्चर सेम, अब यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, सॉरी यहाँ पे ये मैं बोल भी रहा था, ये मेनली कहाँ पे रहता है मेटा पे, ये इसके एस्पेक्ट में ये आर्थो मेटा और ये पैरा, यहाँ पे अगर सीएल को अटैच किया जाए ये किसी से मैच कर रहा है क्या इसमें, ये सेकंड थर्ड जाएगा क्योंकि इसके एस्पेक्ट में ये मेटा पे आ रहा है, ये मेटा पे ही है, क्लियरली यस सर, सोचना यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है, ये सेकंड से मैच कर जाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पे है और इसके रेस्पेक्ट में भी ये मेटा पे ही आ गया, दैट मींस ये दोनों सेम और ये दोनों सेम है, एक किसी एक को ही लेना है, इसको नहीं लेना था यहाँ पे, तो ठीक है इसमें और क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ऐसे केस में ये सोचना ही पड़ेगा, इसलिए कोई फार्मूला नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या आएगा, यहाँ पर बाइफिनाइल बना लो, अब इसको यहाँ पे मेटा पे ले आओ इस Cl को, इसको यहाँ पे अगर लगा देते हैं इस Cl पे, ये किसी से मैच कर रहा है क्या या किससे मैच कर रहा है ये सोच के देखो, आंसर देखते ही क्या रहेगा, वो फर्स्ट से मैच कर रहा है सेकंड वाला, सर सेकंड वाला सेकंड सर सेकंड से मैच कर रहा है, तो ये सेकंड से मैच कर रहा है, ये भी नहीं लेना था यहाँ पे, इस Cl को अब यहाँ पे ना लगा करके इस Cl को यहाँ पे अटैच कर दो, अब ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये भी मेटा पे है और इसके रेस्पेक्ट में ये भी मेटा पे है, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड बन पा रहा है, और क्या पॉलिटी है इसमें यहाँ पे है, इसको तो यहीं पे रहने दो Cl को, राइट वाला जो बेंजीनिंग है उसको पैरा पोजिशन पे ले आता है यहाँ पे, एक बार चेक भी करो ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एक मेटा पे और एक पैरा पे, अब लास्ट में एक और पॉलिटी है इसमें यहाँ पे, बिल्कुल वो लास्ट के देखते हैं वो सही बता रहे हो, शेखर दोनों पैरा पोजिशन पे आ जाए, ये भी पॉलिटी है इसमें,
ये क्या रहेगा तुम्हारा, इधर सी एल और इधर भी क्या जाए यहाँ पे सी एल, एक ये लास्ट ऑर्बिटी ये होता है। अब इसको अगर इधर लाते हैं सी एल को यहाँ पे, इसको फिक्स रखते हुए यहीं पे, ये फिर रिपीट कर जाएगा यहाँ पे, तो लास्ट ऑर्बिटी ये है। इसके अलावा और भी कुछ ड्रॉ करते हो तो ये दोनों को पैरा पेज में मैंने ले लिया यहाँ पे, यही टोटल सिक्स ऑर्बिटी है यहाँ पे। आई थिंक एक बार क्रॉस चेक करो आंसर कितना है, सिक्स या उससे ज्यादा है, सिक्स ही होगा। तो ठीक है चेक कर लो इसे, इसके अलावा तो पॉजिटिव ही नहीं यहाँ पे, सिक्स ही आ रहा है यहाँ पे। यस सर सिक्स ही। सर सिमेट्री से जा सकते थे क्या? हाँ फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो। सर सिमेट्री से जा सकते थे, हम लोग सिमेट्री से ही गए, अगर ध्यान दोगे तो लेफ्ट वाले रिंग में मैंने क्लोरीन को फिक्स किया यहाँ पे आर्थो पे, और इसको जो राइट वाला का जो क्लोरीन है उसको मैं मूव करा रहा हूँ यहाँ पे, इसको आर्थो पे लाया, इसको मेटा पे लाया और इसको भी पेरा पे लाया, इस क्लोरीन को फिक्स करते हुए यहाँ पे। अब क्या कि इस क्लोरीन को यहाँ पे मेटा पे लाया है, इसको मेटा पे थी ऑलरेडी आर्थो वाला आ चुका है यहाँ पे, तो दोनों को मेटा पे, एक को मेटा और एक को पेरा, या दोनों को फिर पेरा को इन करा सकते हैं। इसमें इसी टाइप से सोचना है यहाँ पे कि एक को फिक्स करके दूसरे को मूव करा रहे हैं, और फिर बाकी का जो रिमेनिंग और भी कुछ आ सकता है तो उसको अलग से सोचना है यहाँ पे। तो सेमेंट्री सिटी से और डिफिकल्ट हो जाएगा, इसी तरीके से इसको सोचना रहेगा। तो ठीक है इसको प्रॉपर नोट कर लो यहाँ पे, इसका आंसर क्या रहेगा, यही सिक्स आएगा। डीपीपी नंबर A8, A8 में कुछ क्वेश्चन अगले चैप्टर का भी है, तो डीपीपी नंबर A8 में अप टू क्वेश्चन नंबर 6, डीपीपी नंबर A8 में क्वेश्चन नंबर 1-6 ही करना था तुम्हें, जो कि नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी लोग भी बताओ इसमें क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 और देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसमें कर सकता हो, वहां पे वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में, वो भी कौन से चैप्टर का आ रहा है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 6 का डी, चेक कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्किन कैन गिव 3 मिथाइल पेंटेन ऑन हाइड्रोजनेशन। हम एक पॉइंट लिखे हुए थे, इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कार्बन स्केलेटन डज नॉट चेंज, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं होता है। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि फाइनली प्रोडक्ट 3 मिथाइल पेंटेन, ये पेंटेन आ गया और थर्ड क्वेश्चन पे एक मिथाइल ग्रुप। अब इसमें क्या कर सकता है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा इसमें या ट्रिपल बॉन्ड वो इसी किसी क्वेश्चन पे आ रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है 3 मिथाइल पेंट 1-ईन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो एक ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसका कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो फिर प्रोडक्ट जो गिवन है वहां पे 3 मिथाइल पेंटेन मिल पाएगा। बी में 3 मिथाइल पेंट 2-ईन, ये 3 मिथाइल पेंट 2-ईन यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका भी जब हाइड्रोजनेशन करेंगे वही मिल जाएगा, सिर्फ 5 बॉन्ड को हटा देना था। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि 2 मिथाइल पेंट 1-ईन, 2 मिथाइल पेंट 1-ईन, अब यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। जब इसका हम लोग कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे इससे 3 मिथाइल पेंटेन मिलेगा क्या? नो सर, 2 मिथाइल पेंटेनस मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? 2 मिथाइल पेंटेन मिलेगा। तो जो कार्बन एटम का पोजीशन वो चेंज नहीं होता इस प्रोसेस में, सिर्फ 5 बॉन्ड हटता है। यहाँ पे जब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करोगे तो सिर्फ 5 बॉन्ड हटेगा तो 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा, क्लियर है? इससे नहीं कहा पाएगा वहां पर। डी की बात कर लें, 2 इथाइल ब्यूटाइल 2 इथाइल ब्यूटाइल का क्या मीनिंग है उसमें, तो देखते हैं यहाँ पे ब्यूटाइल ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ब्यूटाइल इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 इथाइल
सेकंड क्वेश्चन पे क्या करते हैं इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगाते हैं, सही है। इसमें भी करोगे यहाँ पे है कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, इससे भी तुम्हारा क्या मिल जाता है इस टाइप का, यहाँ पे एक सी एस थ्री, इसका भी नेम क्या रहेगा, थ्री मिथाइल पेंटेन, ये भी आ जाता है। इस तीनों से एबीडी का कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करने के बाद थ्री मिथाइल पेंटेन मिल जाएगा, तो आंसर क्या आ जाता है इसका, एबीडी तीनों, सी नहीं आ पाएगा। क्लियर है यहाँ पे, तीनों क्लास में कर चुके हैं कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, तो इसको सोच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, देखो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फाइव में फिर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, सी एस टी सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टी, एक और स्ट्रक्चर है इसमें सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इस टाइप का आ रहा है। यहाँ पे देखना कि दोनों में फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, तो इसके बताओ फंक्शन ग्रुप कौन सा इसमें, एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एंड हाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन ग्रुप है, तो क्या एसिड एनहाइड्राइड, सही है बिल्कुल। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करना है कि बोथ द फंक्शनल आइसोमर्स व्हिच इज आर इनकरेक्ट, पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे ये भी एनहाइड्राइड और ये भी एनहाइड्राइड है, ये फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होना चाहिए, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। डी की बात करें तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन दैट मीन्स डी यू, इस कंपाउंड का डी यू कितना, किसी एक का बताओ इसमें, थ्री थ्री थ्री, तो ये डी यू क्या रहेगा, थ्री, एक रिंग और दो डबल बॉन्ड, दैट मीन्स डी यू थ्री, वो भी इनकरेक्ट है। सी की बात करें तो बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बिल्कुल दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर वाइज कार्बन काउंट कर लो, ऑक्सीजन काउंट कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा होगा, यस सर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डी में बोथ आर मेटामर्स टू ईच अदर, ये भी सही है, यस सर, एक दूसरे का मेटामर्स है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के अलावा इधर दो कार्बन एटम्स का चेन आ रहा है, जबकि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलावा राइट लेफ्ट साइड में थ्री कार्बन एटम्स आ रहा है, एक दूसरे के क्या रहेगा यहाँ पे, ये मेटामर्स, तुम्हारा इसमें सी एंड डी करेक्ट है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, आंसर क्या आ जाता तुम्हारा ए एंड बी, इस तरीके से सोचना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी ऑप्शन, सिक्स के डी ऑप्शन में चेक करेंगे हम लोग वहां पे, चेक कर सकते थे वैसे, फिर भी चेक करते हैं यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ का बी पार्ट देखना है, तो दोनों देख लेते हैं वहां पर, इसका मैं दोबारा बताऊं उसमें, इसका बी में क्या दिक्कत, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो इसका बी में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैसे चेक करते हैं, मैंने बताया भी था, एक रिंग आ रहा है और दो डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे टू डबल बॉन्ड और एक रिंग, टू प्लस वन थ्री, यू क्या आ जाता, थ्री, इस टाइप से सोचना था, तो ठीक है आगे देखते हैं। इसमें सिक्स का डी, तो सिक्स का डी में एक ये स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे इस टाइप का आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ, अब यहाँ पे इसमें बताना है कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा, कीटोन, 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 और नीचे कौन सा ग्रुप है, ईथर, तो ये बिल्कुल ये ईथर, और ईथर, और इसमें जो सेकंड कंपाउंड है इसमें ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है वो,
सर ईस्टर क्या ईस्टर कार्बोक्लिक हेड कभी भी स्टाइप में रिंग में नहीं रहेगा और कार्बोक्लिक हेड होगा तो वो क्या रहेगा वहां पे सी डबल बॉन्ड ओ एच एच रहता देन कार्बोक्लिक एसिड यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के बाद फिर कार्बन आ गया यहाँ पे और ओ के बाद अगर कार्बन चेन हो यहाँ पे वो क्या होता ईस्टर ये कौन सा ग्रुप है ईस्टर एक में ईस्टर आ रहा और दूसरे में कीटोन एंड ईथर आ रहा तो फंक्शनल ग्रुप ही डिफर कर रहा है दैट मींस फंक्शनल आइसोमर्स ये करेक्ट है यहाँ पे क्लियर है तो 6KD में इस तरीके से सोचना था तो बाकी का जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है 8 है वो कर सकते हो बाकी कुछ पार्ट लोग पढ़े भी नहीं है अभी क्वेश्चन नंबर 9 तो ठीक है हम लोग जब पढ़ लेंगे तो अपने आप हो जाएगा उसमें कुछ नेक्स्ट चैप्टर का कुछ दिया गया इसमें केमिनफो में क्या दिक्कत है इसमें तुम्हारा 8 में तो केमिनफो नहीं है ये 7 की बात करें अगर हम लोग पढ़ चुका हमने स्पाइरो हम लोग क्लास में कर चुके हैं वो स्पाइरो और बायसाइक्लो स्पाइरो बायसाइक्लो क्लास में हम लोग कर चुके हैं एक बार क्लास नोट्स भी देखोगे और मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में भी करा दिया है और बाकी जो केमिनफो वाला पार्ट होता है वो खुद से पढ़ना होता है थ्योरी गिवन होता है और उसको पढ़ने के बाद वो खुद से सॉल्व करना होता है वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डेली सेल्फ स्टडी डोजेज फॉर मास्टरिंग केमिस्ट्री जो स्पायरो एंड बायसाइक्लो वाला है मैंने क्लास में भी कराया इसका भी थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा वहाँ पर चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर अभी बाकी जब ध्यान रखोगे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट का रहने वाला है लास्ट जो मैं पढ़े हैं अभी मोनोहैलोजिनेशन कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन एंड ओजोनोलिसिस जो अभी हम लोग स्टार्ट ही करेंगे तो कुछ आगे पढ़ भी लेते हैं हम लोग इसका कमी क्वेश्चन है इस तीनों पार्ट का ओजोनोलिसिस स्टार्ट कर चुके थे बता सको नोटबुक देखो ज्यादा किसका होगा ज्यादा नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म दोनों पार्ट का रहेगा क्वेश्चन इसमें से अगर मैं बात करूं अगर जैसे कि 25 क्वेश्चन रहता है तुम्हारा मेन पेपर है तो 25 में से फिजिकल एंड जो ऑर्गेनिक है तुम्हारा 50-50 क्वेश्चन रहेगा दैट इज मैं मान लो कि अगर 12 क्वेश्चन यहाँ पे है तुम्हारा ऑर्गेनिक का या 13 क्वेश्चन 13 में से तुम्हारा 10 क्वेश्चन उसी दोनों चैप्टर से रहेगा नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा इस पार्ट से रह सकता है मोनोहैलोजिनेशन कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन और ओजोनोलिसिस का एक आध क्वेश्चन रह सकता है नहीं भी रहेगा जो अभी हम लोग देखेंगे इसका हम लोग बुकलेट में अभी क्वेश्चन हाँ बताओ ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर 11th और 12th मिला के टोटल जो केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो टोटल 36 चैप्टर ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक और तीनों इक्वल वेटेज का दैट मींस 12 चैप्टर ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 12 चैप्टर फिजिकल एंड 12 चैप्टर इन ऑर्गेनिक क्लियर है यहां पे जो ऑर्गेनिक में अगर 11 12 की बात करो तो 12 चैप्टर रहेगा और ऑर्गेनिक की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 3 ही चैप्टर आता है 11th की बात करें तो पूरा इन ऑर्गेनिक 12th में रहेगा तुम्हारा 9 चैप्टर 12th में ही रहता है ऑर्गेनिक का जब मेंस और एडवांस की बात करते हैं तो दोनों में दोनों कंबाइंड होता है 11th एंड 12th और जो तुम्हारा मेंस एंड एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी इक्वल वेटेज का रहता है तीनों पार्ट से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल ऐसा नहीं कि एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑलमोस्ट वो तीनों पार्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस एज वेल एज एडवांस तो ठीक है हम लोग स्टार्ट कर रहे थे अभी यहाँ पे ओजोनोलिसिस वो कुछ स्टार्ट कर चुके थे इसमें हम लोग एक रिएक्शन लिख चुके होंगे क्लास में तो जो ओजोनोलिसिस होता है इसमें दो टाइप का रहेगा डक्टिव ओजोनोलिसिस ये भी देखो काफी आसान सा पार्ट है ओजोनोलिसिस
सर आपने बोला था कि आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन थोड़ा यस सर बताता हूं यहां पे रिएक्शन लिख लो मैं फिर बताता हूं यहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक्चुअल में क्या आता है जो रिएक्शन ये ऑलरेडी लिखा हुआ तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं मैं लिख लेता हूं और रिएक्शन किससे है RCR डबल बॉन्ड CR बाकी एक H ले सकते हो या R भी ले सकते हो जो भी रहे यहां पे ओजोनोलिसिस है O3 सेकेंडरी एजेंट क्या था उसमें चेक करके बता मैं लिखे होंगे सेकेंडरी एजेंट Zn और वाटर जिंक H2O Zn H2O तो क्या रीड करोगे Zn H2O या Zn के बदले डाइमिथाइल किया जाता है यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फाइड नॉट सल्फेट तो क्या रीड करोगे डाइमिथाइल सल्फाइड बाकी एक और हम लोगों को नोमेनक्लेचर पढ़ना रहेगा इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर तो तुम लोगों को एक बुकलेट मिला होगा BIN करके बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ऐसा कुछ बुकलेट मिला है तुम लोगों को बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बहुत ही पतला सा बुकलेट होगा इसमें 10-12 पेज रहेगा BIN बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर चेक करो बुकलेट मिला होगा ऐसा कुछ नहीं मिला है ठीक है नहीं मिला सर हमें चलो ठीक है नहीं मिला है तो मिल जाएगा चैप्टर स्टार्ट होगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम है उसको अलग से पढ़ना रहता है किसका नेम अभी याद रखो डाइमिथाइल सल्फाइड SUMPHID सल्फाइड अब इसमें जो प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे हम लोग वो क्या बनता है इस केस में RCR डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर और एच और बाकी इसमें एक इनऑर्गेनिक बॉन्ड भी बनता है ZnO अब देखते हैं यहाँ पे इसका थोड़ा हम लोग मैक्सिमम देखें यहाँ पे मैं कंप्लीट लिखता हूँ यहाँ पे इसको मैकेनिज्म इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है मैकेनिज्म का सबको पता है मैकेनिज्म वर्ड का मीनिंग कि कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस क्या होगा बोल सकते हो ये जो रिएक्शन करा रहे हैं लोग यहाँ पे है सही कृष्णा नहीं मिला है तो मिल जाएगा BIN का बुकलेट मिला है तुम्हें मिल चुका है जिनको नहीं मिला है उनको भी मिल जाएगा जैसे कृष्णा बता रहा हूँ मिल चुका है उनको जिनको नहीं भी मिला तो मिल जाएगा सेंटर पे वो बुकलेट जब चैप्टर स्टार्ट होगा फिर मैं खुद बता दूंगा अभी उसमें टाइम है अभी मैकेनिज्म अब इसका जो मैक्सिमम वर्ड का मीनिंग है कि ये जो रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इस अल्किन का रिएक्शन जब O3 एंड Zn H2O के साथ होता है और 1-2 लिखने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि पहले O3 के साथ रिएक्शन होगा इस अल्किन का देन Zn H2O के साथ रिएक्ट करके ये फाइनल पॉड बनाता है यहाँ पे तो 1-2 का मीनिंग क्लियरली समझना यहाँ पे कि पहले O3 के साथ रिएक्शन होगा और O3 का नेम क्या होता है ओजोन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं दैट मींस नेम क्या होता है इसका ओजोनोलिसिस अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों बोलते हैं उस क्वेश्चन का आता है इसको रिडक्टिव नेम क्यों देते हैं यहाँ पर इसका यहाँ पे मैक्सिमम जो रहता है इसमें जो O3 रहता है जब ये अल्किन O3 के साथ रिएक्ट करता है यहाँ पे है एक कंपाउंड जो बनाता है यहाँ पे CR O C H और ओजोन में कितना ऑप्शन है यहाँ पे 3-3 ऑप्शन आइटम है O3 यहाँ पे जब रिएक्शन होता है O3 का इस टाइप से एक साइक्लिक रिंग बना लेता है एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है और ये भी कैसे बनता है ये भी हम लोग जब O3 का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में तो फिर ये भी समझ पाएंगे अभी एक ये स्टेप याद रखना है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ये तीनों ऑक्सीजन इस दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है यहाँ पे ये O3 का सब रिएक्शन होता है इस टाइप से ये
इंटरमेट बनाता है यहाँ पे ओजोनाइड, इसका नेम होता है ओजोनाइड, बट मुझे मिक्सम से यहाँ पे मतलब नहीं होता, बस दो मिनट देखोगे इसमें फाइनली प्रोडक्ट कैसे सोचते हैं। अब यहाँ पे जो जेडन आता है इस केस में, ये फिर से ओजोनाइड, जो कि इस कंपाउंड का नेम दे रहे हैं ओजोनाइड। अब जो ऑक्सीजन आता है इसमें, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है इधर शिफ्ट होता है। एक मिनट वेट करो, वॉइस आ रहा सबको प्रॉपर? यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या था जो जेडन आ रहा है इस केस में, चलो हम लोग यहाँ पे बहुत चीज अभी पढ़ना रहेगा, उसके बाद सिंपली लिख लोगे यहाँ पे है। और ये फाइनली स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन करोगे जो बस मैं करता हूँ एक्सप्लेन? यस सर। बेसिकली जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कुछ दो इलेक्ट्रॉन, दो डॉट दिखा रहा हूँ, दो डॉट का मीनिंग क्या होता है इसमें, इसको बोलते हैं लोन पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आगे हम लोग आगे का पार्ट है। आता मैं इस स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, आर ओ आर, और ये क्या बना लेता है इसमें बाय प्रोडक्ट जेड एन ओ। अब यहाँ पे सोचना है तो मैं, जब ओ थ्री के साथ रिएक्शन होता है ये ओजोनाइड बनाता है, इसका मुझे इसलिए यहाँ पे जरूरत पड़ा क्योंकि तो इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस नेम क्यों देते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम लोग इस कंपाउंड को यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं, बाकी इसका कोई रोल नहीं होता यहाँ पे कि कैसे आ रहा है, वो आगे का पार्ट होता है, यहाँ पे इसको समझना भी नहीं था। बट याद रखना कि ये जो तीन फाइव मेंबर रिंग बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो तीन ऑक्सीजन एटम था वो इस तरीके से आकर के रिंग का फॉर्मेशन करता है ओ और ओ। अब यहाँ पे नेम जो देखना था किसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को नेम दे रहा है यहाँ पे, बाकी इसको बस अभी दिखा लोगे यहाँ पे, इसमें जो दो डॉट दिखा रहे हैं इसका क्या मीनिंग है वो आगे नो समझे, इसको बोलते हैं लोन पेयर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आएगा, देखते क्या रहेगा यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा इस केस में, तो तीन ऑप्शन में से दो ऑप्शन जो रहता है, एक इस कार्बन के साथ एसोसिएट हो गया, एक इस कार्बन के साथ, और एक यहाँ पे जेडन के साथ चला जाता है। अब जो न्यूट्रल स्टेट में जो जेडन होता है, देखिए यहाँ पे जेडन आ रहा है, तो जेडन का जो चार्ज होता है यहाँ पे ये किसी के बॉन्ड, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो जेडन को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका जीरो चार्ज है यहाँ पे। और यहाँ पे जेडन ओ में ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, सब कुछ पढ़े थे टेंथ में, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम लोग पढ़ लिया एटॉमिक स्ट्रक्चर में? यस सर। यस सर। इस पैटर्न पे पढ़े होगे 1s2 2s2 2p। यस सर। यस सर। यहां पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है तुम्हारा? 6। 2+4। सेकेंड ऑर्बिट का एस ऑर्बिटल और ये सेकेंड ऑर्बिट का पी ऑर्बिटल, तो सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा? 6। अब देखो ये जो ऑक्सीजन होता है, एक टर्म पढ़े होगे टेंथ में ऑक्टेट रूल, ऐसा कुछ नाम सुने है? यस सर। यस सर। ऑक्टेट रूल। यहां पे जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो पाता है। ये जो ऑप्शन होता है दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, दैट मींस माइनस, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको क्या बोलता है? -2। यहाँ पे क्या होता है? -2। और ऑप्शन का अगर चार्ज -2 आ रहा है तो जेडन का क्या होता है इसमें? +2। तो यहाँ पे जेडन का जो हो रहा है जीरो चार्ज से +2 चार्ज में जा रहा है, जब फाइनली प्रोडक्ट बनता है तो जीरो चार्ज में से फाइनली +2 चार्ज आ रहा है, उसको बोलते हम लोग कि ऑक्सीडाइज कर रहा है वहां पे। क्या तुम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या डिफिनेशन पढ़े हैं? रिडक्शन किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवेबल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, इसी टर्म में एक्सप्लेन करके बताता हूँ यहाँ पे।
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इस ओजोनाइड को देखो, ओजोनाइड में कितना ऑक्सीजन आ रहा था, तीन तीन ऑक्सीजन एटम था, लेकिन जो फाइनली प्रोडक्ट बनता ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो दो ही ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कैडन के साथ जा रहा। मैं दोबारा रिपीट कर दे, ध्यान से सुनोगे, इसमें इसमें क्या रहेगा, जो ओजोनाइड इसमें तीन तीन ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, और तीन तीन ऑक्सीजन एटम में जब ये जेडन के साथ रिएक्ट करता है, इसके पास दो ही ऑक्सीजन एटम रह जाता है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और वो किसके साथ चला जाता है, जेडन के साथ। एक ऑक्सीजन कम हो रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से, एक ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ओजोनाइड होता है, इस ओजोनाइड का एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि ओजोनाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ओजोनाइड का रिडक्शन होता है, इसी के बेसिस पे नेम देते हैं हम यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। पूरे स्ट्रक्चर को ओजोनाइड कहते हैं। बिल्कुल, ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ओजोनाइड, इसी का कॉमन नेम होता है ओजोनाइड, ओजोनाइड यहाँ पे। बेसिकली ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, बट बाकी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन लोग फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, का मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन आएगा, वहाँ पे जब पढ़ोगे रिडक्शन ऑक्सीडेशन डिटेल में, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इसको और भी क्लियरली समझ सकते थे। बट यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन लोग समझ सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ से कम हो रहा है, एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट इज नो क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन सोर्स। इसी के बेसिस पे नेम देते हैं यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ये पार्ट तो यहाँ तक नोट ही कर चुके हैं, तो इसको भी नोट कर लो नीचे बस। बाकी इसका यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है नेक्सजन का, हम लोगों को डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना है, और प्रोडक्ट लिखने के लिए मैंने बताया हुआ पिछले क्लास में, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन को एड कर देना, एक ऑप्शन इधर एक ऑप्शन इधर, और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं होता यहाँ पर। मुझे किस पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सो ठीक है, कॉपी करो इसको, फिर देखते हैं आगे हम लोग। आगे जितना भी क्वेश्चन अभी एग्जांपल आएगा, तुम लोग खुद से कर पाओगे हर एक एग्जांपल। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट किए बेसिकली, इसका नेम क्या था, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन SI एंड POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जैसे ये चैप्टर मिस होगा, पहले बैच है J2, इवन J2 में भी पूरा चैप्टर, उसमें प्रीव्यू केवल स्टार्ट हो गया है, और J1 बैच जो है तुम्हारा, उसमें भी प्रीव्यू केवल इवन पूरा ही हो चुका है वहाँ पर। अर्ली का कितना है जल्द? हाँ बताओ, अर्ली का कहाँ तक पहुँचा? अर्ली में तो प्रीव्यू केवल खत्म हो चुका है, उसमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, उसमें तुम्हारा जो है, तुम्हारा भी सिलेबस उस पीछे स्टार्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से चल रहा है, और बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं, बस एक चैप्टर आगे पीछे हो। और 12th जो तुम्हारा स्टार्ट होगा सब लोगों का, 11th में जो भी सिलेबस आगे पीछे है, 12th जब स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी में ही, उस टाइम सबका सिलेबस सेम ही हो जाता है, जो भी बैच है, हमारे बाद भी जो बैच है J4, उसका भी सबका सिलेबस सेम रहेगा, सेम टाइम में स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा। तो 11th के बाद बैच सफल हो जाएंगे? बिल्कुल, कुछ तो सफल होगा ही, अपने अकॉर्डिंग तुम अभी से प्रिपेयर रहो उसके अकॉर्डिंग। तो GOC कब स्टार्ट होने वाले? GOC केमिकल बॉन्डिंग के बाद।
अब शेखर कह रहा है कि अर्ली बैच को सर हॉलीडे ज्यादा मिलेगा क्या, तो पहले से पढ़ रहा है अगर वो, उसको ज्यादा छुट्टी तो मिलेगा ही। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सबका थोड़ा बहुत उसका पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, वो लेट से पढ़ाई शुरू की है और लेट से 15 दिन या 1 महीने लेट तक जाएगा सिलेबस, बस ये डिफरेंस है। बट सबका 12th सेम टाइम में स्टार्ट होना, ये ध्यान रखोगे। चलो नोट कर चुके हो अगर, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब कुछ तो बेनिफिट होगा जो पहले से अगर पढ़ाई कर रहा है दर्शन, उसको तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है आगे देखते हैं हम लोग इसमें इसका एग्जांपल। नोट तो कर लिए थे सब लोग? यस सर। तो ठीक है यहाँ तक तो नोट किया हुआ ही होगा, बस इसको नीचे नोट करना था। CH3 CH CH3 CH3 इसमें फर्स्ट यूनिट गिवन हो O3 और सेकंड ZnH2। इसमें मुझे प्रोडक्ट बनाना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस कंपाउंड का नेम क्या है, मैं स्टार्टिंग में लिखा हुआ है IPS नेम बताओ इसका सब लोग। ब्यूटीन सही है, इसमें ब्यूटीन नॉट ब्यूटीन, ब्यूटीन बोलो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या ब्यूटीन या टू ब्यूटीन, ये IPS नेम बेसिक कंपाउंड का तो पता होना चाहिए। अब इसका जब ओजोनोलिसिस करते हैं पीछे क्या देख रहे थे, मैंने क्या बताया था कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस साइड भी एक ऑप्शन और इस साइड भी एक ऑप्शन ऐड कर देना था, तो ये तुम्हारा क्या रहता प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बनेगा इसमें CH3 सी, एक एच है इस कार्बन पे, तो एच को दिखा दो एडिटिंग, और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना यहाँ पर, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक सी डबल बॉन्ड हो इधर, और इस साइड भी सेम काम सी डबल बॉन्ड ओ, एक एच और एक CH3, ये कंपाउंड बन गया यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। दोनों कंपाउंड सेम ही है, इसका किसी एक कंपाउंड का नेम बताओ इसमें। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, कोई भी एक IPS नेम या कॉमन नेम। इथेनोइक एसिड नहीं, अंशु कौन सा प्रेजेंट है तो रिड्रॉ करो, किस टाइप से जेडर को यहाँ पर वो नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, वो अंडरस्टूड है वहां पे रहेगा, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ता उसको, तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो अंडरस्टूड है, वो बाय प्रोडक्ट बन रहा होगा। इसका नेम बताओ। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप है। इथेनॉल। इथेनॉल। इथेनॉल यही तो बताना था। IPS नेम इथेनॉल, कॉमन नेम दो कार्बन के क्या होता है, दो कार्बन के कॉमन नेम क्या यूज करते हैं, एसिड, ये क्या हो जाता है एसिटाल्डिहाइड। तो नोमेनक्लेचर को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे तुम्हारा ऑर्गेनिक उतना ही इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा, उतना ही इंटरेस्ट क्रिएट हो पाएगा तुम्हारा। तो नोमेनक्लेचर क्योंकि नेम जब भी कोई कंपाउंड आएगा तो उनका नेम आ रहा है तो थोड़ा तो इंटरेस्ट आएगा वहां पर, इस कंपाउंड का ये नेम है, तो नोमेनक्लेचर को तो स्ट्रॉन्ग करो ही करो। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बन जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ना लिखेंगे जेड में साथ में, ना लिख दो वहां पे, बट वो जनरली लिखते नहीं, वो अंडरस्टूड होता है कि वो है वहां पे बन रहा, और हम लोग यहां पे बैलेंसिंग HCl बनता है, बिल्कुल वो जड़न वो बनता हमेशा बनेगा ही, तो भी पार्ट रहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आएगा, बट वो हमेशा जड़न हो फॉर्म हो रहा होता है वहां पर। सेकेंड रिएक्शन है O3 ZnH2O, जड़न आ जाए दैट मीन रिडक्टिव, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, कैसे बनाओगे इसमें, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे CH3CH डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे राइट वाले कार्बन पे क्या आ रहा है तुम्हारा C
सी वहां पे दो दो एच है और ये डबल बॉन्ड है। फर्स्ट वाला तो क्या आ रहा है एसिटल डीहाइड, सेकंड प्रोडक्ट का नेम क्या होगा इसमें कौन बताओगे? मिथेनल। आईपीएस नेम करेक्ट है मिथेनल। कॉमन नेम क्या रहेगा? फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या रहेगा? फॉर्मल्डिहाइड। ये बेसिक नेम कम से कम पता होना चाहिए, कंपाउंड्स का नेम क्या है, इतना नोमेनक्लेचर पाने के बाद ये तो आना चाहिए। तो क्लियरली देख रहा हो कि प्रोडक्ट बनाना कितना आसान है, कोई भी कंपाउंड अगर आ रहा है तुम्हारा उसमें प्रोडक्ट हो सकते थे, क्या रहेगा? इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट? सेकंड एजेंट क्या है? जेड एन एच टू। दोनों मिला के करता क्या है? दोनों कंबाइंड होकर के ये फाइनली प्रोडक्ट बनाता है, दोनों के साथ रिएक्शन के बाद ये प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे सोचते हैं यहाँ पे, जहां कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिख जाए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको क्या करता है? ओजोनोलिसिस प्रोसेस में ब्रेक हो जाता है डबल बॉन्ड, और जैसे ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे अंडरस्टूड है एक एच है, इस कार्बन पे भी एक एच है, तो क्या करते हैं यहाँ पे एच इसको इधर भी कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे। अब बताओ से इधर भी उसी फॉर्म में लिखेंगे ना? बिल्कुल, यहाँ पर भी सेम रहेगा वो, जैसे यहाँ पे एच के फॉर्म में है तो यहाँ पे अंडरस्टूड है एच है, एक एच है, एक एच दिखा दो, नहीं दिखाना चाहो तो सिंपली इसमें क्या करता है इस केस में, इतना ही दिखा सकते हो, बट यहाँ पे जनरली एक एच दिखा दो तो क्लियरली पता चलता है यहाँ पे कि क्या फॉर्म हो रहा है, ये प्रोपेनल डीहाइड एल्डिहाइड। और इधर राइट साइड से भी सेम ही मिलेगा तुम्हें, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इस टाइप से। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, डबल बॉन्ड को सेम ही मिलेगा। प्रोपेनल आईपीएस नेम की बात करती है, क्या रहेगा? प्रोपेनल। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, दो दो डबल बॉन्ड आया यहाँ पर, और इसका भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएगा जेडन एच टू, ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर? इसमें सोचना की बताओ सर, तीन प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या? बिल्कुल सही है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा? थ्री। कैसे सोचोगे? एक यहाँ पे ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो यहाँ पे, एक इस पार्ट से मिल जाएगा, एक मिडिल पार्ट से और एक लेफ्ट वाले पार्ट से, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा खुद से ट्राई करो, इसमें क्या बन रहा है? तो फोर होना चाहिए ना फिर। अब बताओ फिर से, बताओ क्या पूछ रहे हो? So, वैसे तो फोर होने चाहिए। फोर नहीं होगा ना यहाँ पे, बीच वाला जो पार्ट है तुम्हारा वो कनेक्टेड ही रह जाएगा ना यहाँ पे, ये तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके सर, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, बीच वाला जो पार्ट रहेगा तुम्हारा ये कनेक्टेड रह जाएगा यहाँ पे, एक ये मिल जाएगा और एक ये इधर राइट साइड, एक मिडिल वाला पार्ट और एक ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे क्या मीनिंग था इसका? कुछ नहीं दिखाया गया, दैट मीन्स एच और एच है बॉन्ड लाइन फॉर्म में, ये क्या मिल जाता? फॉर्मल्डिहाइड। मिडिल वाले पार्ट से क्या मिलेगा यहाँ पे? कुछ नहीं तो एच है, वो क्या सोचते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ एच, नीचे दिखा दो यहाँ पे इस तरीके से, और ये क्या तुम्हारा एच सी डबल बॉन्ड ओ। राइट वाले से क्या मिलता है यहाँ पे? कुछ नहीं तो एक एच इधर भी है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये सी एच थ्री। क्लियर है यहाँ पे? तो जितना भी डबल बॉन्ड है सिंपली डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑप्शन ऐड करना है। क्लियर है? इस तरीके से सोचना है तुम्हें। तो नंबर ऑफ वर्ड क्या मिलेगा इसमें? थ्री। एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और इसका आईपीएससी नेम बताना, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। आईपीएस नेम क्या बताओगे इसका? 1, 2, 3। प्रोपेन,
डायल या सिंपली प्रोपेन डायल इसको कॉपी करो यहाँ तक है। क्लियरली देख रहा हूँ कि जितना भी कोई भी रिएक्शन है तो उसका पॉइंट बनाना काफी आसान था। कर ले कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग साथ में कॉपी कर रहे हो भैया। यस सर। तो ठीक है और कुछ एग्जांपल देखते हैं वो यहाँ पे है। ये दोनों देख रहे थे ओपन चेन में ओजोनोलिसिस किसका कराना होता है अल्किन या अल्काइन। अल्काइन का ओजोनोलिसिस हम आगे देखेंगे अभी। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें अभी। और रिंग में डबल बॉन्ड है इसमें अगर ओजोनोलिसिस करना इसका क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ भी सेम काम कुछ भी नया नहीं करना है। यहाँ पे कार्बन आ रहा है यहाँ का कार्बन ऑलरेडी थ्री बॉन्ड बना रखा है एक और क्या होगा एच एच और यहाँ पर भी सिंपली क्या करना है डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और डबल बॉन्ड को जैसे ब्रेक करोगे सी डबल बॉन्ड ओ और एच यही आ जाता है इसमें फाइनल प्रोडक्ट। इसका अलग स्ट्रक्चर नहीं आएगा ना इसका अलग स्ट्रक्चर नहीं रखे क्योंकि ये एक साइड इधर से तो कनेक्टेड ही है ना यहाँ पे है मतलब इसमें एक ही पॉइंट मिलेगा यहाँ पे इसमें टू या थ्री पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि इस साइड से कनेक्टेड ही है रिंग स्ट्रक्चर में एक ही पॉइंट मिल पाएगा तुम्हें तो और एक डबल बॉन्ड है तो रिंग स्ट्रक्चर हो जाए जो भी स्ट्रक्चर हो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड मिले उसको सिंपली ब्रेक करके दोनों साइड ऑप्शन ऐड कर देना। एक एग्जांपल ये आ रहा तुम्हारा इस टाइप का। इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस O3 ZnH2O इसका खुद से सोचो क्या बनेगा प्रोडक्ट। आई थिंक प्रोडक्ट सब लोग का आ रहा होगा। करना क्या था इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना था इसको भी ब्रेक करोगे यहाँ पे दो डबल बॉन्ड इसको दोनों को ब्रेक करना है और ब्रेक करके दोनों साइड क्या करना है सी डबल बॉन्ड हो यहाँ भी सी डबल बॉन्ड इधर कुछ नहीं तो एक एच है और नीचे भी सेम बन जाता है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो सी डबल बॉन्ड हो ये सेमी पॉइंट बन जाता है यहाँ पे है। इसका IPSC नेम कौन बताओगे दोनों तो सेम ही है किसी एक का बताओ इसमें नेम IPSC नेम। दो दो ग्रुप प्रेजेंट है एक LDIHD सी डबल बॉन्ड हो एच LDIHD और एक कीटो सीनियर ग्रुप कौन सा होता है LDIHD कीटोन में LDIHD अभी भी मुझे पता है कि आधे लोगों को टेबल याद नहीं तो मैं प्रायोरिटी टेबल जो नोमेनक्लेचर में मैंने बताया हुआ था और हर एक क्लास में मैं बोलता था कि उसको याद करो क्योंकि तो आगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी जाने वाला है। सी ऑक्सो ब्यूटेनल बिल्कुल करेक्ट है सनी का वो क्या रहेगा वहां पे 1 2 3 4 सी ऑक्सो या कीटो बोल सकते हो जो भी मन करे सी ऑक्सो ब्यूटेनल ये इसका IPSC नेम आ जाता है ये तो बताना था इसका। अब ये नहीं कि तुम्हें एग्जाम में रिएक्शन दिया गया तुम्हें स्ट्रक्चर ही दे दिया गया हो सकता है उसका नेम ही दे दे तो बेसिक नेम तो पता होना चाहिए इसलिए पहला चैप्टर वही पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें बेंजीन और बेंजीन का जब ओजोनोलिसिस होता है तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो पढ़े हुए थे स्टार्टिंग में। जो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ये काफी स्टेबल कंपाउंड होता है इसका इजिली ओजोनोलिसिस प्रोसेस नहीं हो पाता है इजिली ओजोनाइज
इसका जो ओजोनोसिस होता है इसलिए नहीं हो पाता यहाँ पे, इसको हीट देना पाता है, जब हीट करता है यहाँ पे तो फिर ये ओजोनोसिस का हो पाता है यहाँ पे। और फाइनली जो क्वाड बनेगा वो सेम ही रहेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इसको ब्रेक कर देना और इसको ब्रेक कर देना। और हर एक कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सबको पता ही है, C6H6 बेंजीन है। तो अब यहाँ पे किसी, यहाँ पे देखो इस पार्ट को देखना जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहा तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, इधर आते यहाँ भी क्या रहा तुम्हारा C डबल बॉन्ड OH, और ऐसा यहाँ पे तुम्हें तीन थ्री मोल मिल जाएगा इस पे, यहाँ पे तीन मिलेंगे। यस सर, ये रहा यहाँ पे है सेम टैग का, और इसका नेम क्या आ जाएगा तुम्हारा IPSC नेम 1-2 इथेन 1-2 डायल, या सिंपली इथेन डायल, दो इंडियाड इथेन डायल IPSC नेम। इसका कॉमन नेम जो होता है उसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल, कॉमन नेम भी अदर लोग है। जब भी सी डबल बॉन्ड एच, सी डबल बॉन्ड एच इस टाइप से आ रहा हो तो क्या बोलते हैं ग्लाइऑक्सिल। तो जब भी बेंजीन का ओजोनोलिसिस रिएक्शन कराता है यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, वो क्या मिलता है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सिल। तो ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसमें। आई थिंक ये तो 9-10 का भी कोई भी बच्चा कर सकता है, यहाँ पे बोल दिया जाए उसको कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड ऑक्सीजन ऐड कर दो। चलो एक एग्जांपल मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, यहाँ पे रेज करके इसमें तुम्हें बताना है, इसका जब ओजोनोलिसिस होगा ZnH2O, O3 एंड ZnH2O, तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, क्या करना है इसमें भी काम वही सेम करना है, जहां कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिखे इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो और इसको ब्रेक करो। अब सोच के बताओ नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कितना मिल पा रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कुछ आंसर आ रहा है इसमें नहीं से कर। अब देखो यहाँ पे करना क्या था, चलो कुछ और आंसर आ रहा और चेतन के, देखो इसमें क्या करोगे, अब इसमें जब देखो तो ये पार्ट तो तुम्हारा अलग रहेगा, तो दर्शन के भी फोर आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो इस वाले पार्ट पे यहाँ पे कुछ नहीं थे, एच है, यहीं से स्टार्ट करो, ये क्या रहेगा तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन इसको देख ले हुए CH3, इधर H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस साइड की बात करें यहाँ पे है ऊपर का, यहाँ पे सोच सकती है क्या रहेगा तुम्हारा CH2, सही इसमें क्या रहेगा तुम्हारा फोर्थ पॉट आ रहा होगा यहाँ पे 1, देखते हैं वहां पे 4 या 3 जो भी आएगा हम पूरा एक बार चेक कर लें। यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट से क्या मिलेगा तुम्हें, ऊपर कुछ नहीं H और H है, H C डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड, और जो बीच वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो क्या रहेगा सी डबल बॉन्ड ओ देखना ध्यान से, ये सी डबल बॉन्ड ओ मैं नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ इधर भी, अब यहाँ पे क्या रहता तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे कुछ नहीं क्या एच है, यहाँ पे एच दिखा दो
अब नीचे वाला जो पार्ट आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे इसका अंत आ गया यहाँ पर, फिर ऊपर जाएंगे यहाँ पे है। ये कह रहा तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ, और एक यहाँ पे ये सी एस थ्री पूरा ग्रुप। यहाँ पे देखना कि ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा ये तो इधर से कनेक्टेड ही रह गया इससे यहाँ पे है ये तुम्हारा, और ये इधर से ब्रेक हो रहा है, ये इधर से कनेक्टेड ही रह गया यहाँ पे, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पार्ट कितना मिलेगा आप सोच के बताओ, इसमें जो नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड मिलेगा वो थ्री मिल पाएगा यहाँ पे, एक ये पूरा, एक एसीटाल्डिहाइड और एक ये फॉर्मल्डिहाइड, ये जो बीच वाला पार्ट है ये अलग नहीं हो पा रहा है, रिंग होने के चलते वो कनेक्टेड ही रह जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, तो सिर्फ डबल बॉन्ड जितना भी है सबको ब्रेक कर देना है और उसके बाद चेक करना है कि नंबर ऑफ पार्ट कितना मिल पा रहा है, इसमें तीन ही मिलेगा। तो ठीक है इतना ही रखते हैं हम लोग, तुम लोगों का कल टेस्ट भी है, इसमें अभी कुछ भी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, और ओजोनल इसिस का एक आध क्वेश्चन आएगा भी तो बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, सी टाइप से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट बना लोगे वहाँ पर, और प्रोडक्ट ऑप्शन में गिवन होगा तो वहाँ से चेक भी कर लेते, बट इस पार्ट से टू दो से थ्री ही क्वेश्चन ही रहेगा, टू टू थ्री ज्यादातर क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में देखते हैं, इसी कंटिन्यू करेंगे। इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लो इस तरीके से यहाँ पे, चलो ठीक है कर लिए, कॉपी कर लिया था सब लोग? यस सर। चलो ठीक है, तो ठीक है फिर हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं, बाकी कल अच्छे से एग्जाम का प्रिपेयर करो फिर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय।